हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआरपीओ पीडीजन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके बीच में पीओ पीडीजन की मार्किंग की वीडियो लाता रहता हूं और कोई भी डिजाइन हो उसके बारे में मैं बताते रहता हूं और इसकी मार्किंग कैसे करें ये सब चीज़ समझाते रहता हूं और हर तरीके से और आसानी तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं कि ये जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं इसकी मार्किंग कैसे की गई है। देखिए दोस्त, आज हम एक स्पायरल का जो एक डिज़ाइन होता है, ठीक है, मैं उसकी मार्किंग करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना एक सेंटर कर लेते हैं जिस रूम में आपको बनाना है, तो उसका हम सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, देखिए सेंटर, ठीक है। देखिए, ये सेंटर से एक सर्कल का ये डिज़ाइन होता है, ठीक है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मार्किंग करने का तरीका बता देता हूँ कि इसकी मार्किंग कैसे की जाती है। आप इसे किसी भी रूम में बहुत ही इजी तरीके से आप किसी भी रूम में इसे एडजस्ट करके आप बना सकते हैं। देखिए, ये जो डिज़ाइन है ये एक सर्कल का डिज़ाइन है, ठीक है। देखिए, ये तीन भागों में बनता है, तो एक हम सर्कल घुमा लेते हैं जितना बड़ा हमें बनाना है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जितना बड़ा बनाना होगा उतना बड़ा ये सर्कल आप घुमाइएगा, ठीक है। देख लीजिए, एक सर्कल हो गया हमारा, ओके। अब क्या करेंगे, हम इसे तीन भाग डिवाइड कर लेंगे। तीन भाग डिवाइड करने के लिए देखिए, उसी फर्म में से जिस फर्म में से आप ये सर्कल घुमाएं, यहाँ पे मार्किंग करिएगा, यहाँ पर मार्किंग करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीन भाग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे इसको मार्क कर लेंगे, देख लीजिए, देख लीजिए। और यहाँ से इसको ऐसे मार्किंग कर लेंगे, तो ये हमारा तीन भाग हो जाएगा, ठीक है। ये वाली मार्किंग हम हटा देते हैं। तो देख लीजिए, हमारे ये तीन भाग हो गया। एक दो तीन, ठीक है, ये तीन भाग हमारा हो गया, ठीक है। अब करना क्या, हमें इसका और ये जो सेंटर है और ये जो लास्ट वाली हमारी मार्किंग है, इसका हमें सेंटर निकालना है, ठीक है। देख लीजिए, और हमें क्या करना है, इसी सेंटर से, ठीक है, और इसको मार्क कर लेना है तीनों पे, ठीक है। इसके बाद हम यहां से अपना सर्कल घुमाएंगे, ठीक है। ये हमारा तीन सर्कल हो जाएगा, देख लीजिए। ये हमारा यहीं से आप तीन सर्कल घुमा लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आसानी तरीके से इसको मार्किंग करने का तरीका बता रहा हूँ, आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, ठीक है। अगर कभी ऐसा डिज़ाइन मिल जाए आपको बनाने के लिए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ऑलरेडी आपको मार्किंग पता रहेगा, ठीक है। देखिए, हमने तीन मार्किंग कर लिया। अब हमें करना क्या है कि ये जो लास्ट मार्किंग है आपकी, ठीक है, जिस फर्मे से आपने इसको घुमाया है उसी फर्मे से आपको करना क्या है कि आप इस साइड में, ठीक है, मार्किंग करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पूरा मार्किंग हम कर लेंगे, ठीक है, तीनों पे। देख लीजिए, देख लीजिए, हमारी ये मार्किंग हो गई, ठीक है। अब इस मार्किंग पे आना, उसी फर्मे से आपको फर्मा बदलना नहीं है, जो साइज से आपने सर्कल घुमाया उसी साइज से फिर यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ पे रखिए, और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे लग मिला देंगे, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। फिर उसी तरीके से इस वाले को भी हम घुमा लेंगे। आपको फर्मा चेंज नहीं करना है, ठीक है, जिस फर्मे से ये सर्कल आप घुमाए हैं उसी फर्मे से ये बनेगा, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप में देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। मैं हमेशा आपको आसानी से आसानी तरीके से मार्किंग करने का तरीका बताते रहता हूं कि आप इसे आसानी से समझ जाएं, ठीक है। देखिए, ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब ये जो हमारे फालतू मार्किंग है उसको हटा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये मार्किंग कैसी है, ठीक है।
चलिए इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, फिर आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मार्किंग कैसे हुई है। ठीक है, हमारी जो मेन मार्किंग है उसे हम मोटा कर लेंगे। तो देखिए हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई, तो इसको मैं भर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्किंग कैसे है। ठीक है, तो देखिए हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसकी मार्किंग मैंने कितने आसानी तरीके से कर दिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में आप देख पाए होंगे कि इसकी मार्किंग कैसे हुई है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये मार्किंग आपको पसंद आएगी। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो के लिए।